हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। 14 मार्च 2019 SSC CPO का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। अभी बात करते हैं कैसा रहा इनका एग्जाम। कितने क्वेश्चन किए आपने? 138 135 162 अटेम्प्ट 171। क्या क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स से आज? करंट अफेयर्स के जितने भी थे जनवरी सेशन से और फरवरी सेशन से ही पूछे गए थे। अच्छा। और ज़्यादातर जो भी है वो बालिका वगैरह के ऊपर ही ज़्यादा थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे पर नॉर्मल थे। क्या क्वेश्चन थे कुछ बता सकते? जैसे क्वेश्चन कि बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, भारत में बालिका दिवस कब मनाया गया, और जो भारत दर्शन परियोजना से करंट अफेयर से जो क्वेश्चन थे उससे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड थे। और मैथ में अगर हम देखा जाए तो ग्राफ तो अपना ग्राफ नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे थे, एक ही ग्राफ पे कई बार रिपीट कर करके सेम ही ग्राफ क्वेश्चन दे रहा था। सेम आ रहे थे सेम, मतलब जब कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हो। हिस्ट्री से ज़्यादातर आए थे, प्लासी के युद्ध के ऊपर आ गया, प्लासी का युद्ध पूछा गया जी। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे अरविंदो घोष से क्वेश्चन, उनकी बुक का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछी थी अरविंदो घोष की, और ये बैटल्स की डेट पूछी थी। कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया हो? स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे राजीव गांधी वगैरह, राजीव गांधी अवार्ड कब दिए गए थे, और उसके बाद ये तुम्हारे अभी क्वेश्चन, ये तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था, ये इसके ऊपर इसकी थीम क्या थी, और राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन थे। और जीके में से ज़्यादातर नॉर्मली थी। जलियांवाला बाग पूछा गया था, डेट 13 अप्रैल उसकी डेट पूछी गई थी, कब हुआ था वगैरह पूछी। अच्छा, अगर बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन या तो फिर करंट अफेयर से या मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। एंशियंट हिस्ट्री से कुछ भी नहीं था और मेडिवल से कुछ भी नहीं था, और साइंस के ऊपर काफी क्वेश्चन डाले गए थे। थायराइड वगैरह, ऑक्सैलिक एसिड किस फ्रूट्स में पाया जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मास्टर ग्लैंड कौन सी है इसमें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ये थे उसमें। क्या बता रहे थे? थायराइड के ऊपर और जो आपके ब्लड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन बनने थे कि इनमें से किस कारण जो है थायराइड की, मतलब एक मतलब जो स्पेसिफिकेशंस पूछी गई थी कि इनमें से थायराइड मतलब क्या चीज़ है, जैसे कि पतला पतले लोगों को होता है कि मोटे लोगों को होता है, या इनमें से इसी तरीके से क्वेश्चन थे। बायोलॉजी थी ये भी जो मैंने बोला, बायोलॉजी से और कुछ नहीं, बस यही 4-5 क्वेश्चन ही बने थे। हाँ, और फिजिक्स के ऊपर से बन गया था, एक न्यूटन के ऊपर क्वेश्चन पूछ गया था थोड़ा बहुत। क्या क्वेश्चन था वो? बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, बेसिक ही था नॉर्मल। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री से क्वेश्चन इतना नहीं आया, हाँ एक खास नहीं है क्वेश्चन आया था। जनरल नॉलेज था, अच्छा पेपर था, कौन जाने देखता था। सर करंट से, सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को मनाया जाता है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसकी थीम क्या थी 2019 में, और इसका इल्बर्ट बिल जो 1883 में हुआ था उसमें किसके द्वारा पारित किया था, और एक आपका विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी, और आपके इसी टाइप के क्वेश्चन थे। और एक्सेल का योजना वगैरह पूछी गई कोई? योजना के ऊपर ये पूछ रही थी कि इनमें से सुकन्या कन्या योजना के ऊपर पूछ लिया था, और ऑप्शन में रायतु बंधु योजना वगैरह के बारे में भी डाला गया था कंफ्यूज करने के लिए। कोई राजनीति से? राजनीति से कोई पॉलिटिक्स नहीं थे। कोई चाल दूरी से क्वेश्चन आया और रेल से लेके चाल दूरी से, वो तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स में आया था, नाव के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था वो? इसमें से ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर जैसे कि एक नाव की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की वो जो धारा की गति में से जो विपरीत दिशा में 4 की गुना से वो ज़्यादा कैपेसिटी लेता है, उसी के ऊपर से कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, और ज़्यादा नहीं था। मतलब ये पूछा गया था धारा की गति क्या है नॉर्मली। हाँ, एक मेंशुरेशन से क्वेश्चन था कि कोई कमरा है वर्गाकार, उसका फर्श का क्षेत्रफल 230 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर, और 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर से अगर उसका रेट लगे तो उसका पैसा कितना बनेगा। अच्छा, कोई परसेंटेज से क्वेश्चन आया हो? परसेंटेज से आया था क्वेश्चन, चक्रवर्ती के ब्याज के ऊपर कोई क्वेश्चन डाला गया था। क्या क्वेश्चन था पर्टिकुलर तो मुझे याद नहीं, क्या क्वेश्चन था डाला गया था। 5 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था। हाँ, 5 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना होता है, 25% उसका आंसर था, इजी था। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन थे, पर्टिकुलर बता नहीं सकते क्या क्वेश्चन थे। हाँ, क्योंकि मेन चीज उस टाइम का प्रेशर इतना होता है कि इतना जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 घंटे भी काफी कम लगते हैं। कहने का ये मतलब है कि सिटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ नहीं था, क्वेश्चन नहीं डाला। बैठक से कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन जा रहा था, टाइम कम था।
जैसे तुम्हारे ए बी सी डी जैसे चार ऑप्शन दे दिए तो उनमें कौन सा ऑर्डर ये आपको छाटना है, नंबर वाइज भी दे दिया था, सीरीज वगैरह भी, ऐसे क्वेश्चन जाते मतलब इसलिए एस एस सी जाना जाता है वो उसने काम किया है। इतना आसान पेपर भी नहीं था, इतना ये जैसे कि टफ भी नहीं था, पर यही है कि मतलब उसकी मेरिट भी उस हिसाब से एसएससी के नाम की वजह से जाएगी। जैसे 1100 उसमें जगह है तो उसका बहुत आसान नहीं रहेगा ये कंपटीशन, कंपटीशन काफी टफ रहेगा। कोई कथन निष्कर्ष याद हो आपको? कथन निष्कर्ष के तो एक दो क्वेश्चन थे बस, यही कुछ नेता जैसे कुछ नेता राजनेता है ऐसे क्वेश्चन कुछ थे ऐसे राजनेता और पॉलिटिशियन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब हाथ में कोई घड़ी हो सकती है, सभी हाथ घड़ी हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन कथन थे और यही हमारा सभी अभ्यर्थियों का कहना है। पहले के अलावा भी देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैथ भी पूरा टाइम ले रही थी, रीजनिंग भी पूरा टाइम ले रही थी, इंग्लिश पे तो बहुत लोगों को जाने का मौका भी नहीं मिला होगा, मौका भी नहीं मिला। दो सेक्शन में काफी टाइम लग गया, 45 अटेम्प्ट हुए हैं तो वो तब हुए हैं, छोड़ छाड़ के ये नहीं है कि उसको बिल्कुल रुक के भी करा गया है। मतलब इंग्लिश पे ये है कि इंग्लिश में अगर कोई पहुंचा होगा तो 10-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे, या तो पढ़ा होगा क्वेश्चन, या तो पढ़ा होगा या आंसर दिया होगा, बाद में क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। 140 या 145 रीजनिंग और मैथमेटिक्स काफी टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकन पेपर ही था पूरा, ये लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, माइंड लगाने वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो, कान की घंटी बज जाती है एंड टाइम पे, बगैर मेहनत करे कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स में कोई और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ जाओ, हां ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चन थे एडवांस से थे, मैंने टाइम ज्यादा ले रहे थे, मैंने अटेंड नहीं किया था। जैसे थी 1 माइनस कॉट स्क्वायर और नेक्स्ट क्वेश्चन थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी क्या होगा इसकी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन थे। हाइट डिस्टेंस से आए हो, हां दो क्वेश्चन थे। अब एक जो पेड़ है कुछ हाइट है उसकी, कोई कहीं से टूट गया है वो, उसकी कितनी लेंथ कितनी होगी। अच्छा कोई सीढ़ी लगी हुई है जैसे किसी दीवार से, उसका बेस दे रखा है, उसकी हाइट पूछ ले कितनी, सीढ़ी की हाइट कितनी है सीढ़ी की, आप कर सकते हो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब ऑप्शन से देख के आप सूटेबल लगा सकते हो कि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे कि एफिशिएंसी दे रखी थी तीनों की, ए की बी से दोगुनी है, सी की दो से, उससे तीन गुनी है जो कुछ है, ए कुछ बी कुछ 15 दिन में कर रहा है, उसको अगर दोनों ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, या कोई भी टंकी मतलब 3 घंटे में भर रही है और ऐसे एक टंकी दो टोंटियों को खोला जाए तो कितने टाइम में भर देगी, ऐसा का दो तीन क्वेश्चन थे। रीजनिंग में दर्पण से क्वेश्चन आया, हाँ दर्पण से काफी क्वेश्चन थे, पर दर्पण से बताने लायक नहीं है क्योंकि वो उसी टाइम पर उसी 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 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दर्पण से ऐसा था कि जैसे कि रूप था उसका, जैसे एम्बुलेंस को अपोजिट किया है तो वो धारा स्टार्टिंग कौन सी ए चालू हो गई है सी चालू होगी, ऐसा अपोजिट था वो, किस तरह से दिखाई देगा वो, कोई अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस यही है कि खास क्या उसका जवाब भी नहीं मालूम था पर्टिकुलर तो याद रखने का क्या फायदा है कि आगे भविष्य में सभी मेहनत करते हैं। बुक्स वगैरह पूछी गई हो? हां बुक्स तो पूछी गई थी, पॉलिटिक्स उससे थी, इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स से याद नहीं आ रही, गांधी वाली थी वो शायद, हां उसमें वो कौन से थे जिसमें वो कहीं कंट्री में बाहर गए थे तो उसके लिए पूछा गया था क्वेश्चन, उसकी बुक भी पूछी गई थी, बस उन्हीं की पूछी गई थी, और वाचन अज्ञान की भी थी, अच्छा कामसूत्र ये भी एक बुक थी, वात्स्यायन ने जो लिखी हुई है कामसूत्र, और तुलसीदास का पूछा गया था कि वो रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो ये है कि मतलब बहुत ज्यादा कोई तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन डाल दिया कि वो एसएससी पे मतलब सूट नहीं करता है, तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा हार्ड भी डाल दिया जो हमारे मतलब अटेम्प्ट करने में फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ हम नेगेटिव में जाएंगे। मुद्रा से क्या होगा? मुद्रा से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन आए होंगे बस, यहाँ दो क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन से, क्या थे वो बताओगे? भैया बता नहीं सकते वो क्वेश्चन कैसे बता सकते, सिंप्लीफिकेशन तो एक बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब जो जो बोर्ड मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो ही डाला गया था, ज्यादा हार्ड नहीं था, तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज 14 मार्च 2019 को एसएससी सीपीयू में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, कैंडिडेट से बताया और आपने देखा, अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।